हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि संडे में आप लोगों को एक ऐसा डाइट चार्ट देने वाली हूँ जिससे मैं अपने आप को फिट रखती हूँ और आप भी अपने आप को फिट बिना खाना खाए छोड़े। और हमें खाना खाना है और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है कि जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमारे नी पेन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें हमारी वेट से ही, हम लेज़ी हो जाते हैं। और ये डाइट चार्ट करेंगे फ्रेंड्स तो आपका अपने आप ही एक्सरसाइज करने का मन भी करेगा। और मैं काफ़ी सालों से ये कर रही हूँ ये वाला डाइट चार्ट, तो शुरू करते हैं आज। मैं आपको 1 वीक का दूंगी फ्रेंड्स। मुझे कमेंट्स का भी वेट रहेगा कि किस किस ने मेरे साथ शुरू किया। मुझे ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करना है, लेकिन मैं आप लोगों का साथ देने के लिए मैं भी शुरू कर रही हूँ। ये होता है कि थोड़ा सा बॉडी लाइट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वेट ही हमारे लिए मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हम बाहर का खाना, या अभी शादियां भी चल रही हैं, अभी फेस्टिवल सीज़न गया है, तो एक मौसम भी अभी चेंज होता है। एकदम से गर्मियों से ठंड शुरू हो रही है तो हमारी बॉडी भी कुछ चीज़ें अलग डिमांड करती है। तो उसके लिए थोड़ा बॉडी लाइट फील करे उसके लिए मैं कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है फ्रेंड्स। आप लोगों को कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते के साथ फ्रेंड्स। सुबह का नाश्ता रहेगा फ्रेंड्स ब्राउन ब्रेड। आप लोगों को ब्राउन ब्रेड लेनी है। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 4 चीज़ें नहीं खानी है फ्रेंड्स, आलू, केला, मीठा और घी। सिर्फ 4 चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है, सिर्फ 4 चीज़ें। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, आलू, केला, घी और मीठा, और सब चीज़ें आप ऑलमोस्ट खा सकते हैं। और उसके बाद सुबह फ्रेंड्स, इसमें आपको और बताती हूँ कि लिक्विड हमेशा, मेरी तो हैबिट बन गई है फ्रेंड्स कि लिक्विड हमेशा खाना खाने से आधा या पौना घंटा या 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाश्ता करते हैं, ऊपर से चाय पी लेते हैं, तो वो हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए ये हैबिट्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो चेंजेस बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत मेजर होता है। तो फ्रेंड्स, आप चेंज करके देखिए, बहुत आपको मेजर चेंजेस आपकी हेल्थ में नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को खाने के साथ लिक्विड, जैसे अगर आपको चाय लेनी है विदाउट शुगर, आप खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं, आधा पौना घंटा बाद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने जो पॉइंट्स है वो बता दिए। अब आती है नाश्ते की बात, ब्राउन ब्रेड। और फ्रेंड्स, मुझे खीरा मैं सुबह लूँगी, मुझे खीरा नहीं मिला अभी, थोड़े से बासी थे इसलिए मैंने नहीं लिया। और टमाटर वेट लूज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स। जिनको स्टोन है वो इसके बीज निकाल देना फ्रेंड्स। और ऑनियन फ्रेंड्स ऑप्शनल रहेगा आपके पास कि आप लेना चाहें। जैसे कई बार होता है, हम वर्किंग, ऑलमोस्ट सब लोग वर्किंग हैं, कि स्मेल आती है, या फिर आप वहाँ क्या है, थोड़ी सौंफ भी खा सकते हैं। मुझे टेस्ट में बहुत पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ। जैसे इनको या तो आप वैसे ही सेक सकते हैं विदाउट घी। मैं तो कच्चे ही खाती हूँ, मुझे कच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं उनके बीच में खीरा, टमाटर, प्याज लगा के, बहुत यम्मी लगते हैं फ्रेंड्स। टेस्ट का कोई इशू नहीं है। और आपको पेट भर के खाना है। ये हमारे वेट को, जो अंदर हमारा वेट है जो हमें प्रॉब्लम करता है, जैसे स्टमक वेट पे है जो फैट जम गया, फैट उसको हेल्प करता है फ्लश करने में। इसलिए पेट भर के खाएं। आपको 2 ब्रेड खानी है, 3 ब्रेड खानी है, भूखे पेट नहीं रहना है। ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है लेकिन भूखे पेट भी नहीं रहना फ्रेंड्स। भूखे पेट रहने से हमें क्रेविंग होती है, फिर हम कुछ इधर उधर ढूंढते हैं और फिर हमारा डाइट चार्ट इसलिए हम ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते। जब हम भूखे होते हैं तो ऑब्वियस है हमें क्रेविंग होगी और हम इधर उधर कुछ 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 ढूंढेंगे और फिर सोचते हैं कि छोड़ो, खा ही लेते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, हमेशा पेट भर के खाना है। उसके बाद आप नाश्ते में जिस टाइम भी आप करें, और कोशिश करें कि 9 बजे से पहले या 9:30 तक नाश्ता कर लें। उसके बाद बीच में आप जैसे फ्रूट कोई लेना चाहती हैं, जैसे फ्रेंड्स अभी बहुत देखो विटामिन सी रिच अभी अमरूद आ रहा है। ऑरेंज मैंने भी नहीं लिया क्योंकि एकदम गले में लगता है, कई बार गले वगैरह भी लग जाता है। एप्पल आप खा सकते हैं फ्रेंड्स। देखो मैंने तो अपनी बास्केट तैयार कर ली है, आप लोग भी कर लें। अच्छा, नाग है, जो भी फ्रूट्स आप लोगों को अच्छे लगे या जो भी अवेलेबल हैं। जैसे अमरूद तो काफ़ी वेट लूज़ में अमरूद भी हेल्पफुल होता है। और जिन लोगों को ज़्यादा वेट लूज़ करना है फ्रेंड्स, वो लोग पपाया ले सकते हैं, साथ में पाइनएप्पल ले सकते हैं। पाइनएप्पल फैट को कट करता है फ्रेंड्स। तो वो जिनको ये है कि नहीं, हमें जैसे काफ़ी वेट है, जिनको ज़्यादा लूज़ करना है, वो साथ में बीच में फ्रूट ब्रेक में, वो जैसे 10-11 बजे है, या फिर आप जब भी चाहें जब भी खा सकते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ता आपको ज़रूर करना है, स्किप कुछ भी नहीं करना है।
फ्रूट आप ले सकते हैं, फ्रूट ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स फिर हमारी लंच की बारी। लंच भी आपको फ्रेंड्स पेट भर के खाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं एक रोटी खाऊंगी तो मेरा जल्दी से कम होगा, नहीं, आप एक रोटी खाओगे और आपको भूख दो रोटी की है तो फिर से आपको क्रेविंग होगी और आप कुछ इधर उधर चीज़ें खाओगे। अगर आप भरपेट खाना खाओगे तो आपको क्रेविंग नहीं होगी, आपकी बॉडी को हाँ पता है कि हमें। और पानी हमेशा खाना खाने के साथ कभी ना पिए फ्रेंड्स, कम से कम आधा पौना घंटा, एक घंटा भी कर सकते हैं, मैं एक डेढ़ घंटे तक कभी भी पानी नहीं पीती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करके हेल्दी रहती हूँ। और लंच में फ्रेंड्स बात आती है फिर हमारा, मुझे वो वाला आटा भी मेरा आया नहीं है तो मैं भी इसी से शुरू कर रही हूँ। वीट ब्रैन का जो मैंने आप लोगों को पिक सेंड की हुई थी पिछली वीडियो में, वो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ही मिल रहा है वो आधा वो आटा। उसमें एग्जैक्टली चोकर है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इफेक्टिव है, आप यूज़ करके मुझे भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। आधा चोकर, जैसे तीन रोटी बनानी है तो तीन रोटी में से जो हाफ क्वांटिटी है वो अपना नॉर्मल आटा, जो भी आटा है आप यूज़ करते हो घर में इसका, गेहूं का, और आधा वो जो वीट ब्रैन वाला आटा है वो लेके आपको मिक्स करके उसको गूंथ के, हार्डली कितनी मिनट लगती है गूंथने में, इस आटे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि फाइबर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, जल्दी से बस पानी से ही जल्दी से हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रेंड्स, अब सर्दियां आ रही हैं देखो बहुत ग्रीन लीफ आ जाती हैं अभी, घिया है, तोरी है, अच्छा पालक का हरा साग वगैरह है, गाजर और मटर, आलू को स्किप करेंगे जैसे अगर पूरी फैमिली, फिर ये होता है कि फीमेल्स को मेजर इशू ये आता है कि पूरी फैमिली के साथ हम अलग से नहीं करेंगे, नहीं आप सबकी गाजर आलू मटर बना सकते हैं, आप अपने में से आलू अलग कर दें आप गाजर मटर खा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमेशा थोड़ा सा कम रखें, जैसे नॉर्मल ऑयल जो लगाते हैं हम तड़का लगा के नॉर्मल सब्जी आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बॉइल्ड खाना है, नहीं पूरी फैमिली की जो सब्जी बनती है उसमें से आप आलू स्किप कर सकते हैं और आप गाजर मटर ले सकते हैं। घिया तोरी हो गई, पालक का हरा साग हो गया, और साथ में जिन लोगों का HB वगैरह कम रहता है, जिन लोगों को हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है, वो साथ में चटनी, एक दिन मैं चलो एक ही अलग से मैं बना दूंगी जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो साथ में ये हमारा लंच हो गया। आपको दो कर्ड दही आप साथ में ले सकते हो, और दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, कोई इसमें ये नहीं कि नहीं आपको कम खानी है। हाँ लस्सी अगर आप ले रहे हैं तो वो खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में ले लें, तो उससे आप ओवर ईटिंग से भी बचेंगे और आपका खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स जैसे कई बार होता है कि चलो अलग से भी बनाना पड़े, बच्चे नहीं खा रहे हैं, जैसे घिया तोरी, अभी गाजर भी आ रही है, बहुत सारी ग्रीन लीफी, अच्छा पत्ता गोभी जो है वो भी ग्रीन लीफ में ही आती है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं। तो उसके अलावा भिंडी भी ग्रीन लीफ में ही आती है तो वो भी आप ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है कुछ पूछना आप लोग मुझे कमेंट करके बाद में भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके अलावा फिर बात आती है डिनर की, हाँ बीच में 4-5 बजे आप चाय ले सकते हैं विदाउट शुगर फ्रेंड्स, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विदाउट शुगर आप चाय लें, शाम को लें, अगर जैसे बहुत लोगों को, मुझे भी हैबिट होती है कि मैं शाम को एक चाय लूँ तो मैं विदाउट शुगर में लेती हूँ इन दिनों में। और साथ में दूध लेना चाहें, कुछ भी जो आप स्नैक्स लेना चाहें, कुछ भी शाम को आप ले सकते हैं, फ्रूट्स लें, जो भी स्नैक्स हैं वो आप ले सकते हैं, बहुत हैवी नहीं, जैसे बिस्किट्स, हाँ बिस्किट्स तो मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ फ्रेंड्स, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं घर में बिस्किट्स रखती ही बहुत कम हूँ, मैं कुछ चीज़ें अपनी ऑप्शनल बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बिस्किट्स और नमकीन में ट्रांस फैट होता है जो हमारी बॉडी से बहुत मुश्किल से निकलता है, वो हेल्दी फैट नहीं होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। और डिनर फ्रेंड्स सेम रहेगा, वही आपको एक रोटी खानी है, दो रोटी खानी है, और कोशिश करें कि डिनर आप थोड़ा सा 7-7:30 तक कर लें। उसके बाद अगर आप आधा घंटा वॉक करते हैं साथ में, इस डाइट चार्ट के साथ अगर आप वॉक करते हैं या योगा वगैरह करते हैं तो आपको इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा आएंगे, अदरवाइज बहुत इफ़ेक्टिव है ये डाइट चार्ट। जैसे जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम नहीं होता, हम आलस कर जाते हैं कई बार क्योंकि कुछ और काम निकला है, तो अगर आप साथ में योगा या वॉकिंग कुछ भी करते हैं तो आपको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, जितना भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो शाम को डिनर सेम रहेगा, वही ग्रीन लीफ वेजिटेबल और वही रोटियां, एक रोटी दो रोटी जितने भी आप खाना चाहें, और उसके डेढ़ घंटे बाद आप रात को दूध भी ले सकते हैं। तो बहुत आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा ये डाइट चार्ट कैसा लगा और कौन कौन मेरे साथ फॉलो करने वाला, मैं भी आप लोगों के साथ कर रही हूँ तो फॉलो। और कोई भी क्वेरीज हैं आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन बीच में लगता है, डाउट लगता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और इतना ही है फ्रेंड्स, बहुत नेक्स्ट वीक का, ये वीक एक वीक का करना है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो डालूंगी। और बीच बीच में अगर आप लोग चाहते हैं
कि मैं अपनी डालूं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, क्या क्या एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। अगर हाँ, जो लोग बॉडी टोन करना चाहते हैं साथ में वॉक एक्सरसाइज, जब आप इसको करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। एकदम से आपको लगेगा कि हाँ, अभी एकदम हमारा शरीर एकदम हल्का हल्का, हमें अच्छा अच्छा जब हम बहुत हमारी बॉडी हमारा साथ देती है तो हमारे मूड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। हम हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वही जहाँ हम एक काम में 10 मिनट लगती है, वही काम हमारा 5 मिनट में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी हल्की हो जाती है। तो जहाँ उठ के कोई काम करना है, बैठ के करना है, नीचे उठना है, कभी झुकना है, तो उसमें जब हम एक्टिव रहेंगे, हमारी बॉडी हमारे साथ रहेगी, तो हम उस काम को जल्दी कर लेंगे और हम थकेंगे भी कम। तो ये हमारे मूड के ऊपर और हमारी हेल्थ के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स जब आते हैं। अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि हाँ, आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, आगे इसी तरह से मुझे अपना प्यार और साथ देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।